नमस्कार, मैं नामिका बिहारी न्यूज से। आज हम बताएंगे, नुसरत जहां ने ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने पीएम मोदी को जनता द्वारा लिखे गए पत्रों के समर्थन में कहा, जिसमें उन्होंने ये लिखा है, मुझे खुशी है कि हमारी सोसाइटी ने एक बहुत ही बुनियादी मुद्दे पर बात उठाई है, जहां आज हर किसी को सड़क, बिजली, यातायात जैसे जरूरी मुद्दे पर बात करनी होती है, वहीं हमारे सिविल सोसाइटी के लोगों ने मिलकर एक बहुत ही बुनियादी मुद्दा उठाया है, जो कि इंसान की जिंदगी है। आगे अपने लिखे गए खत में उन्होंने ये भी कहा, हमारे देश के नागरिकों से बहुत उम्मीद है कि वे इस देश की भलाई में अपना योगदान देंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। नुसरत जहां ने आगे ये भी कहा कि नफरत के द्वारा फैले अपराध हो और मॉब लिंचिंग के मामले हमारे देश में और अधिक न बढ़ें, बल्कि इसे रोकना होगा। नए युग के सेक्युलर भारत की एक युवा सांसद होने के नाते मैं अपने देश के प्रत्येक नागरिकों और सभी जनप्रतिनिधियों से यह निवेदन करती हूं कि लोकतंत्र पर हो रहे हमले के विरोध में मॉब लिंचिंग हमले करने वालों को रोकने के प्रति एक कड़ा कानून बनाया जाए। खत के आखिरी लाइन में उन्होंने ये भी कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तान हमारा, आखिर कब तक गाय के नाम पर तेरा भगवान और मेरा भगवान के नाम पर किसी की दाढ़ी और किसी की टोपी के नाम पर ये खून खराबा होता रहेगा। हम पहले इंसान हैं, मजहब बाद में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।